विश्वास था कि शिक्षा के विषय पर बिना किसी द्वेष के इस सदन में बातचीत होगी। मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करती हूं जो बिना द्वेष की भावना से राष्ट्रहित में शिक्षा के विषय पर बोले हैं। जो मुझसे पहले शिक्षा विभाग का दायित्व रखते थे, आज उनकी हिंदी में एक टिप्पणी मैंने सुनी। उन्होंने आदरणीय वेंकैया नायडू जी का उल्लेख किया और कहा कि जितना आटा होगा रोटी उतनी ही बनाई जाएगी। शास्त्रों में लिखा है और सुना है मैंने महाकाल की धरती पर कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। मां अन्नपूर्णा को यह आशीर्वाद है कि रोटी जितनी चाहिए अन्नपूर्णा रोटी का प्रबंध करती है। लेकिन आज एक माननीय सदस्य ने, जो केरल से संबंध रखते हैं, उन्होंने इस चिंता को व्यक्त किया कि खर्चा नहीं हो रहा है, यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है। उनको बड़े सम्मान सहित कहना चाहूंगी कि आप ही की पंक्ति में जो महाशय बैठे हैं, 2013-14 में अगर आप शिक्षा विभाग के यूटिलाइजेशन को देखें तो वो रिवाइज एस्टिमेट्स का 92.9% रहा और 2014-15 का रिवाइज एस्टिमेट का एक्सपेंडिचर जो रहा वो हमारी सरकार के अंतर्गत 97.69 रहा। तो प्रश्न अब उनकी तरफ उठता है कि जब आटा था तो रोटी पर्याप्त क्यों नहीं बनाई। बिल्कुल, इन्होंने एक आक्षेप किया कि ऑटोनॉमी पर प्रहार हो रहा है। MHRD ने एक निर्देश दिया है कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या संस्थान पहले MHRD के माध्यम से पूछें कि किस प्रकार का MOU इंटरनेशनल स्तर पर साइन होने वाला है। देश का संविधान यह कहता है कि देश की संसद में जो निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय के तहत देश की सरकार को काम करना है और देश की सरकार द्वारा संचालित सभी शिक्षा संस्थान भी इसी संसद का सम्मान करेंगे। आज ये प्रश्न उठता है कि जब केंद्र में UPA की कांग्रेस की सरकार थी तब इसी संसद द्वारा बनाया गया IIT एक्ट का उल्लंघन क्यों हुआ? क्यों एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय करार किया गया जिसमें भारत के टैक्सपेयर से की जेब से निकाले हुए पैसे से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IIT एक्ट का उल्लंघन करते हुए एक कैंपस के निर्माण की बात की गई? क्यों चुपचाप उस वक्त ये मंत्री मुख दर्शक बनकर तमाशा देख रहे थे? क्या संसद की गरिमा का, संविधान का, कानून का भय अथवा चिंता नहीं थी तब? एक आरोप मुझ पर लगाया जाता है कि 4 साल के दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को रोल बैक किया गया। वो प्रोग्राम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नहीं चलाया जा रहा था। MHRD में जब दस्तावेजों को खोजा गया तब पाया गया कि 77,000 छात्रों को 40 से ज्यादा ऐसे कार्यक्रमों में भागीदार बनाया गया जिसकी परमिशन स्वयं राष्ट्रपति महोदय ने नहीं दी थी। क्या हम एक ऐसा नजारा देखना चाहते थे जब 4 साल बाद दिल्ली की सड़कों पर, देश की राजधानी में लगभग 4 लाख छात्र ऐसे उपस्थित हो जिनकी डिग्री का कोई मोल नहीं है? अगर उस गैर कानूनी हरकत को रोका गया तो चोट उनको क्यों पहुंचती है? अगर उन छात्रों का संरक्षण किया गया, उनके भविष्य का संरक्षण किया गया तो दुख उनको क्या होता है? स्वागत होना चाहिए। आज मैं पूछना चाहती हूं, बार बार हम पर आरोप लगाया जाता है कि ICHR के माध्यम से हमने इतिहास में दखल देने की कोशिश की है। प्रोफेसर साहब यहां बैठे हैं, मैं सांसद के नाते उन्हें संबोधित नहीं करती, प्रोफेसर इसलिए कहती हूं क्योंकि उस दिन जब तथागत सत्यपति जी इस सदन में बोल रहे थे तब उन्होंने कहा कि वेस्टेड इंटरेस्ट है एजुकेशन में, उन वेस्टेड इंटरेस्ट को एजुकेशन से दूर करने की जरूरत है। पूछना है आज मुझे, कौन है ICHR में? पूरबी राय नाम की एक महिला है। मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ महाशय, आपने जखन बोले बसे सह्य करुन, सर आपनी बोले जवाब आसते दिन, मेरे जवाब को आने दीजिए। मैंने आपके आरोप सुने, मेरे जवाब को आने दीजिए। कौन है आईसीएच
में। मैं कौन से लोगों की बात कर रही हूँ? आईसीएचआर में, आईसीएचआर में पूर्वी रे है। पूर्वी रॉय कौन है? मैं उनका नाम का यहाँ उल्लेख कर रही हूँ। पूर्वी रॉय इज अ वेटरन स्कॉलर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, अ रिनाउंड हिस्टोरियन ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडियन रशियन रिलेशंस, हैज डन आउटस्टैंडिंग वर्क एंड ऑन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द रशियन आर्काइव शी हैज डन वर्क। एंड सर, लेट मी टेल द हाउस थ्रू यू सर वेरी रिस्पेक्टफुली, पूर्वी रे वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड टू द सीपीआई। हर हस्बैंड कल्याण रॉय वॉज अ डायनामिक सीपीआई मेंबर ऑफ द राज्यसभा। क्या हम पक्षपात कर रहे हैं? अगर पक्षपात करते तो क्या इस प्रकार के हिस्टोरियन आईसीएचआर में रहते? आज मैं इसलिए, मुझे सुष्मिता देव जी कह रही है डोंट गेट एंग्री, आप ही ने महोदया कहा था कि मेरे खिलाफ चार्जशीट बनाई जा रही है, मैं उस चार्जशीट का जवाब दे रही हूँ आज और आग्रह करती हूँ कि सब जवाब सुने। महोदय, मैं आपसे, आपके माध्यम से टीएमसी केस मेंबर से पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी सरकार में सीपीआईएम से कोई भी ताल्लुकात रखते हुए किसी भी व्यक्ति को निष्पक्ष तरीके से आप नौकरी दे सकते हैं? आईसीएचआर के हमने बॉडी में पूर्वी रॉय को लिया, क्या ये पक्षपात है? ये वो इतिहासकार हैं जिन्होंने देश नहीं छोड़ा बल्कि देश में रहकर देश की सेवा की है, क्या उनका सम्मान करना अपराध है? सचिन आनंद सहाय जी हैं आईसीएचआर में, उन्हें प्रोफेसर ऑफ एपिग्राफी बनाया किसने? यूपीए की सरकार ने। क्या उनका सम्मान करना हमारा अपराध है? आज यहाँ पर सुष्मिता देव जी बैठी हैं, उन्होंने उस दिन कहा कि मैं अपने पर हुए चार्ज का, आरोप का जवाब दूं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, विश्व भारती की बहुत लोगों ने चिंता व्यक्त की, विश्व भारती की जो इंक्वायरी कमेटी है उस इंक्वायरी कमेटी के मेंबर कौन है? बीबी दत्तो के उन्हीं। बीबी दत्तो जी जनरल सेक्रेटरी थे नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी के, उनको कांग्रेस पार्टी के रेजिम में राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। वो आपके पिता संतोष मोहन देव जी के साथ भी काम कर चुके थे। उनका सम्मान करना क्या हमारा अपराध है? अपराध है, बताइए। ये सब वो लोग हैं जो इस वक्त भारत सरकार के साथ शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मात्र इसलिए क्योंकि वो भारत का नवनिर्माण करना चाहते हैं। जेके रे, जयंत कुमार रे, जिन्हें आपने चेयरमैन बनाया था मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज का यूपीए के रूल में, उनको आज हमने नेशनल प्रोफेसर बनाया। क्या पूछा हमने उनसे कि आपके कांग्रेस के साथ क्या ताल्लुकात थे? हमने मात्र ये देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में वो कैसे आगे काम कर सकते हैं। ध्रुव नारायण जी बैठे हैं पीछे, डिमांड फॉर ग्रांट्स पर सबसे पहला भाषण उनका था। पहले सत्र में जब मेरा उनसे परिचय हुआ, उन्होंने कहा 10 साल से मेरे क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय नहीं चल पा रहा है, आप खोलिए इसे। हमने खोला। खोला क्या? पक्षपात किया? नहीं किया। खोला नहीं खोला बताओ तो। सुष्मिता देव जी स्वयं इस बात की गवाह हैं कि उनके अपने क्षेत्र में हमने केंद्रीय विद्यालय में जितना सहयोग था संभव उतना किया। ये सहयोग करना क्या पक्षपात है? ये हमारा अपराध है? आज इस सदन में मैं कहना चाहती हूँ, डिमांड पर आ रही हूँ, आज इस सदन में कहना चाहती हूँ कि एक वैकेंसी को लेकर चिंता व्यक्त की गई। वैकेंसीज पर महामहिम राष्ट्रपति जी को 8 मई को एक पत्र लिखा गया था और कहा गया था कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के लगते ही 15 वैकेंसीज भरने का कुछ लोग प्रयास कर रहे थे जो कानून के विरोध में है, इसकी जांच हो। हमने जांच की। यूपीए के कार्यकाल के दौरान 4 लोग जो प्रस्तावित थे उन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, उत्तराखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला और पंजाब में सम्मान सहित कार्य करने का मौका दिया। ये हमने चयनित नहीं किया, यूपीए की सरकार द्वारा चयनित हुआ और हमने उसका सम्मान किया। लेकिन जिन चयन समितियों में हमने कहीं ना कहीं कोई चैलेंज देखा, उसको हमने रोकने का प्रयास किया। क्यों?
क्योंकि आज जैसे लक्ष्मी नारायण यादव जी कह रहे हैं, उनमें से एक नाम ऐसे व्यक्ति का था जो आज सीबीआई की गिरफ्त में है। क्या उस व्यक्ति को रोकना हमारा अपराध था? रिवाइज एस्टिमेट्स की बात हो रही है, इसी सदन में और दूसरे सदन में भी हमने बार बार कहा है कि शिक्षा प्रायोरिटी ऑफ प्रायोरिटीज है। हमसे पूछा गया कि जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में है मिड डे मील को और सशक्त करना, क्या उसका प्रयास किया? जी किया। फरवरी के महीने में नई गाइडलाइंस बनाई सेफ्टी और हाइजीन ऑफ फूड के लिए, साथ ही एक सेंट्रलाइज वॉइस मॉनिटरिंग रिकग्निशन सिस्टम हम लोग कर रहे हैं ताकि प्रदेश और केंद्र की सरकार को एक साथ पता चले मिड डे मील में कहीं कोई चुनौती तो नहीं है। हमसे ये कहा गया कि हम शिक्षा के निजीकरण में कोई काम नहीं कर रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। स्वयं नाम का एक कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं जिसके अंतर्गत देश की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज, आईआईएम्स, एनआईटीज, आईसर्स, ये सब मिलकर देश के इतिहास में पहली बार हमारे देश के नागरिकों को मुफ्त शिक्षा देंगे ताकि डिग्री हो, डिप्लोमा हो या फिर वो सर्टिफिकेट का कोर्स हो, कम से कम टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्हें वो शिक्षा प्राप्त हो। देश में लगभग 500 ऐसे केंद्र करेंगे जिसमें नागरिक जाकर अपने एग्जाम को दे और बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर सर्टिफिकेट ले। क्या उच्च शिक्षा में इतनी बड़ी क्रांति लाना अपराध है हमारा? तथागत सतपति जी का मैं स्वागत करती हूं जिन्होंने राजनीति से उठकर प्रदेश की कुछ चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित करने का काम किया। आपने कहा मात्र संस्कृत का सम्मान काफी नहीं है, सभी प्रादेशिक और ट्राइबल लैंग्वेजेस का भी सम्मान होना चाहिए। मैं आपसे बहुत ही सम्मानजनक तरीके से कहना चाहूंगी, आपने जो भाषण दिया उसकी मैं सराहना करना चाहती हूं। आप एक वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता है, मेरी पार्टी से आपका कोई इत्तेफाक नहीं। आपने, सुप्रिया सुले ने उस दिन जो बातें कही उसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं था, वो चिंता थी जो आपने व्यक्त की। सुप्रिया सुले जी ने कहा कि लगभग 2 करोड़ बच्चे आर आउट ऑफ स्कूल, 2 करोड़ नहीं है, 3 करोड़ नहीं है, 60 लाख चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल। शशि थरूर जी ने कहा कि पहले कम थे अब ज्यादा हो गए, इनके आंकड़े गलत है, पहले 1 करोड़ 36 लाख थे अब 60 लाख है। योर मैथ इज रॉन्ग सर। ज्ञान नाम का एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, ज्ञान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी हमारे एकेडेमिशियंस हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, उनको भारत सरकार खुद भारत सरकार के ट्रेजरी से पैसा देकर आमंत्रित कर रहे हैं ताकि वो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एनआईटीज, आईआईटीज में, आईसर्स में जाकर हमारे छात्रों को पढ़ा सके। इस प्रकार की क्रांति लाना क्या अपराध है? अरे अब चलिए आगे, चलिए सुनिए आप। सादिया, मैंने सुना था विद्या दत्ताति विनयम, मुझे ये नहीं पता था कि विद्या से इतना सारा जहर भर जाएगा। कोशिश हमारी ये है कि जैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इजाफा करने की बात की है, पढ़े भारत बड़े भारत पर हमने पहले भी उल्लेख किया है सदन में, आज भी करते हैं। अर्ली रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी कक्षा 1, 2, 3 पर हमारा विशेष ध्यान है, जिसके लिए इस बजट में भी 460 करोड़ का प्रावधान है। मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहना चाहती हूं कि उच्च शिक्षा के साधनों में तो वृद्धि हुई है, स्कूली शिक्षा में भी संरक्षण होगा फ्लैगशिप स्कीम्स का, ऐसे हमारे सरकार का वक्तव्य है और वो वक्तव्य मैं दोबारा दोहरा रही हूं। बेटियों की शिक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। मैं कहना चाहूंगी देश में पहली बार एक जेंडर एटलस हम लेकर आए हैं जिसके अंतर्गत सभी राज्य किन जिलों में बेटियों की शिक्षा में वृद्धि की जरूरत है, कहां चुनौती है, उसको मैप कर सकते हैं और उस हिसाब से एरिया स्पेसिफिक कार्यक्रम बना सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत हमने 100 ऐसे जिले चिन्हित किए हैं जिसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें 75% माता पिता होंगे उन स्कूलों के जिनमें छात्र जाते हैं, उनसे कहा गया है कि अगर आप स्कूली शिक्षा में बेटियों को प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ाएं तो हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को 5 लाख रुपए का इनाम देंगे। हमारी कोशिश ये है कि स्कूल्स का असेसमेंट हम कर सके। जीआईएस मैपिंग हमने राष्ट्र भर में की है, मात्र 3 प्रदेश रह गए हैं जिनकी मैपिंग अब तक नहीं हुई है।
उन मैपिंग्स के बाद हम जानते हैं कि हैबिटेशन वाइज हमें कहां शिक्षा के कौन से साधन देशवासियों को देने हैं। कई लोगों ने और सुष्मिता जी ने एक विशेष चिंता व्यक्त की थी नॉर्थ ईस्ट के छात्रों के लिए। मैं कहना चाहती हूं कि यूजीसी के अंतर्गत हमने ईशान उदय ईशान विकास नाम के कार्यक्रमों की शुरुआत की। पहली बार देश में हम नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को विशेष रूप से देश भर के कुछ चुनिंदा संस्थानों के दौरे पर ले गए, जहां पर हमने उनसे कहा कि अगर आप अपने जीवन में कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी ह्यूमैनिटी, तो साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपके लिए वो क्या क्या नई ऊंचाइयां हैं जो आप छू सकते हैं, उसका हमने उनसे परिचय करवाया। हमने 10,000 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप में नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। हमने पहली बार एक ऐसा स्किल फ्रेमवर्क राष्ट्र को समर्पित किया नवंबर 2014 को, जिसके अंतर्गत जो छात्र कक्षा 8 के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, मान लीजिए बढ़ई का काम करता है और 5 साल वो वापस स्कूली शिक्षा अथवा शिक्षा के किसी संस्थान में नहीं पहुंच सकता, उनसे हमने कहा है कि इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत आपका 60% ऑफ योर स्किल विल नाउ मेक यू एलिजिबल टू गो अप स्ट्रेट टू ग्रेजुएशन। आज आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि बस्ते का बोझ बहुत सारे माता पिताओं के लिए चिंता का विषय हो गया है। किताबों की कीमत बहुत सारे माता पिताओं के लिए एक चिंता का विषय हो गया है। एनसीईआरटी के माध्यम से ऑनलाइन हम ओपन रिसोर्सेज उपलब्ध करा रहे हैं ताकि कक्षा 1 से 12 तक सारी किताबें ऑनलाइन मुफ्त उपलब्ध हो। एनसीईआरटी से मैंने स्वयं निवेदन किया है कि इसे एक ऐसे मोबाइल ऐप की तरह तैयार किया जाए ताकि माता पिता को मोबाइल पर ही चुनिंदा किताबें मुफ्त में उपलब्ध की जाएं। सारांश नाम का हमने कार्यक्रम शुरू किया और ये सारे वो कार्यक्रम हैं जिनके लिए बजटरी प्रावधान है। सारांश नाम का कार्यक्रम शुरू किया हमने पिछले वर्ष, जिसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम सभी सीबीएसई स्कूल में सब्जेक्ट वाइज चाइल्ड वाइज हर सीबीएसई स्कूल को देने का प्रावधान किया है, ये शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत वो स्कूल अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने स्टेट में और नेशनल लेवल पर लर्निंग आउटकम्स को समझे और अपने छात्र की मदद करने के लिए वो स्कूल और अग्रसर हो। अब हमारी कोशिश यह है कि सारांश नाम का ये कार्यक्रम माता पिता तक भी पहुंचे, क्योंकि वो माता पिता जो मात्र पेरेंट टीचर मीटिंग में ही जान सकते हैं कि छात्र का लर्निंग आउटकम क्या है, वो रियल टाइम अपने बच्चे का निरीक्षण कर सकते हैं और बच्चे की मदद कर सकते हैं। मैं उपसभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहती हूं, बहुत सारे सांसदों ने ये कहा है कि कला संस्कृति खेलकूद इससे हमारे बच्चे परे हो रहे हैं। कला उत्सव नाम का एक कार्यक्रम है जो केरल राज्य में चलता है। मैं स्वयं जब केरल राज्य में गई तब मैंने इस कार्यक्रम की सराहना भी की और ये अपील भी की कि इसे हम राष्ट्रीय स्तर पर अपनाएं, ताकि प्रादेशिक कला संस्कृति ये सारे हमारे बच्चों तक पहुंचे। और मुझे कहते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष कला उत्सव के पूरे देश में शुरुआत हो रही है। सभी प्रदेशों के स्कूली विभाग से हमारी चर्चा हो चुकी है कि हम कला उत्सव नाम के देश की विभिन्न परंपरा कला संस्कृति को उजागर अपने छात्रों के मध्य में करने के लिए इस विषय से इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। मैं एक निवेदन विशेष सभी माननीय सदस्यों से करना चाहती हूं। शिक्षा की नीति को लेकर कई माननीय सदस्य चिंतित रहते हैं। जो सदस्य कांग्रेस पार्टी से हैं उनकी चिंता ये रहती है कि सैफ्रनाइजेशन ना हो। मैंने सदन में एक कथन दिया है, एक लिखित जवाब दिया है, दोहराती हूं मौखिक आज। संविधान की मर्यादा में ही शिक्षा दी जाएगी हमारे छात्रों को, ये हमारा वचन है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनका धर्म ग्रंथ बतौर प्रधानमंत्री देश का संविधान है, उनका धर्म भारतीयता है। और प्रधानमंत्री के इस कथन को मैं दोबारा इस सदन में दोहराती हूं। मेरा सभी सम्मानित सांसदों से एक अनुरोध है, शिक्षा की नई नीति कैसी हो इस पर हमने 33 थीम्स विकसित किए हैं। 21 मार्च को सभी प्रदेश की सरकारों के साथ एक बैठक में हमने निर्णय लिया कि आज तक देश में शिक्षा मात्र कुछ चुनिंदा लोग बताते थे कैसी होनी चाहिए। हमने कहा देश में 2,75,000 विलेज एजुकेशन काउंसिल है,
प्रदेश सरकारों से आग्रह किया, उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकारा कि हम जाएं उस गांव के विलेज एजुकेशन काउंसिल में और पूछें कैसी शिक्षा चाहिए आपको। कोई उनसे तो पूछे जिनके लिए व्यवस्था बनाई गई है। हम जाएं 6600 ब्लॉक्स में जाकर पूछें कैसी शिक्षा चाहिए आपको। उनसे तो पूछें कि अपनी तकदीर वो कैसे लिखना चाहते हैं। हम जाएं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सभी जनप्रतिनिधियों को संग लेकर जनता के साथ बैठकर बोलें कैसी शिक्षा चाहिए। प्रदेशों में ये वार्ता करें और मिलजुल कर एक नई शिक्षा नीति का निर्माण करें। सभी माननीय सांसदों से मेरा निवेदन है कि आप सब इसमें मिलजुल कर काम करें, क्योंकि देश की तकदीर कोई एक नहीं लिखेगा, हम सब मिलकर लिखेंगे, ये प्रण है हमारा। कुछ लोगों ने कहा ये बड़ा व्यापक आपका चर्चा का एक सिलसिला शुरू किया है, क्या यह संभव है? संभावना हम देख चुके हैं इस देश में। 4 दिन का समय मिला था कि प्रधानमंत्री जी टीचर्स डे पर देश के बच्चों को संबोधित करेंगे, उनकी क्या जिज्ञासा है, उन्हें कैसे प्रेरित करें कि वो कल के टीचर बने, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 4 दिन का समय, कैसे जोड़े सब स्कूलों को, लेकिन हुआ। व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करना है प्रदेश की सरकारों के सहयोग से। 9.5 करोड़ बच्चों से संपर्क किया हमने, इसलिए कहना चाहती हूं कि यह संभव है अगर ये संसद ये सदन ठान ले। टीचर्स के बारे में कई सांसदों ने यहां पर उल्लेख किया कि टीचर्स ट्रेनिंग पर थोड़ी बहुत चिंता है उन्हें, किस प्रकार की ट्रेनिंग हो। महोदय शशि थरूर जी ने कहा कि जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आई थी, मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूं उन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने का काम एनसीटी में हमने किया है, ताकि टीचर्स की ट्रेनिंग में हम लोग पहली बार टीचर 20 सप्ताह स्कूल में जाकर पढ़ाए अपनी ट्रेनिंग के अंतर्गत, उसका इवैल्यूएशन उस स्थल पर हो, इसका प्रावधान भी पहली बार किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन फॉर टीचर्स और ट्रेनिंग की शुरुआत की, जिसमें 900 करोड़ का प्रावधान है, ये भी मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूं। बजट के बारे में कई लोगों ने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है, मैं दोबारा दोहराती हूं। सुप्रिया सुले जी ने कहा कि जो महिला होती है वो कोशिश करती है कि कम में ही गुजारा कर ले, इनको चिंता है, आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए। डिप्टी स्पीकर की तरफ प्लीज प्लीज, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि शिक्षा प्रदेश की सरकारों के साथ एक ऐसा विषय है जिसमें समन्वय से हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे कहते हुए गर्व है कि मेरे कार्यकाल में एक भी ऐसी प्रदेश की सरकार नहीं है जिसने शिक्षा के किसी कार्य में भी अपनी असमर्थता को दिखाया। सभी प्रदेश की सरकारें केंद्र की सरकार के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने में समर्थ हैं, ये विश्वास मैंने पिछले 10 महीने में प्राप्त किया है, क्योंकि ये विश्वास प्रदेश की सरकारों ने हमें दिलाया है। शिक्षा के कई चुनौतियां हैं, इसको मैं स्वीकार करती हूं। प्राइवेटाइजेशन के संदर्भ में कुछ सांसदों ने चिंता व्यक्त की है, उनसे कहना चाहती हूं कि हमने नो योर कॉलेज पोर्टल खोला है, जिसमें वो सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो यूजीसी एआईसीटी से संबंधित हैं, उन सभी की जानकारी हमारे छात्रों के लिए इस पोर्टल पर उपलब्ध है, किस इंस्टीट्यूशन में कौन सी बिल्डिंग है, प्रोस्पेक्टस में जो विषय दिए गए हैं अगर वो उससे मेल नहीं खाते तो छात्र और अभिभावक सीधा रेगुलेटर को कंप्लेंट कर सकते हैं, और रेगुलेटर इस संस्थान के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार भी रखता है और वो करते भी है। मैं सभी सांसदों को आपके माध्यम से एक विशेष निवेदन करना चाहती हूं। 15 अगस्त को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से एक आह्वान किया, स्वच्छता अभियान का तो आह्वान किया ही, लेकिन एक विशेष रूप से पीड़ा को व्यक्त किया कि क्या हम ये संभावना नहीं देख सकते हमारे देश में कि हर स्कूल में एक टॉयलेट हो। 17 अगस्त को एमएचआरडी के अंतर्गत वेबसाइट पे हमने देश में सभी जिलों में कहां टॉयलेट नहीं है सरकारी स्कूल में, कहां डिसफंक्शनल है, इसकी जानकारी दे दी थी। मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि सभी प्रदेश की सरकारों ने मिलकर प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के अंतर्गत टॉयलेट्स के निर्माण के लिए जो पैसा एलोकेट होना था वो पैसा एलोकेशन हो चुका है। सभी सांसदों को मैंने स्वयं पत्र लिखा है कि आपके अपने जिले में कितने टॉयलेट्स हैं, इसकी सूचना पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। आप
क्वार्टरली मीटिंग्स लेने का अधिकार रखते हैं, लेकिन विशेष रूप से आप अगर अपने डीएम से कलेक्टर से पूछें कि आर्थिक प्रावधान होने के बाद मेरे जिले में मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने टॉयलेट बने हैं, तो बहुत कृपा होगी, क्योंकि इससे इस काम को और शक्ति और स्फूर्ति प्रदान होगी। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले, क्योंकि समय की सीमा है, इतना कहना चाहती हूँ। मिल गया लेटर, मिल गया लेटर, मिल गया, मिल गया, मिल गया, लेटर मिल गया भाई, मिल गया। मैं इतना कहना चाहूंगी समय की सीमा को देखते हुए कि जैसा ही अप्रैल का महीना आता है तो कई सांसद विचलित हो जाते हैं, केंद्रीय विद्यालय की बहुत सारी कंप्लेंट्स आने लगती है। वेणुगोपाल जी हंस रहे हैं क्योंकि उनके साथ कर चुके हूँ। कई सांसद विचलित होते हैं कि पब्लिक से प्रेशर बहुत होता है, हम जनप्रतिनिधि हैं, कूपन को बढ़ाओ। और कुछ सांसदों ने कहा है, ईएमएस जी कह रहे हैं प्लीज टेल सो इट बिकम्स एन अश्योरेंस। कुछ सांसदों ने ये कहा है, और एमएस जी जैसे प्रतिभाशाली और प्रभावी और एक बहुत ही एक्सपीरियंस मंत्री स्वयं रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि 6 से 10 कूपन बढ़ाने का प्रयास मैं करूंगी केंद्रीय विद्यालय में, आज ही मैं कह रहे हैं। इसी के साथ वो सभी सांसद जिन्होंने आज शिक्षा के क्षेत्र में अपना समर्थन दिया है, उन सांसदों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, और तथागत सतपति जी को विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि हमने एक एक्सपर्ट कमिटी नियुक्त की है, विशेष रूप से शिक्षा में लैंग्वेज का क्या प्रभाव हो सकता है। आप सबको मैं अवगत कराना चाहूंगी कि सेंट्रल इंडियन लैंग्वेज की जो इंस्टीट्यूट है सीआईएल मैसूर में, उन्होंने 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में 1080 बुक्स प्रकाशित की हैं, जो प्रादेशिक और ट्राइबल लैंग्वेजेस के साथ साथ अंग्रेजी में भी हैं। अगर कोई भी सांसद इन किताबों का अपने संसदीय क्षेत्र के लिए लाभ उठाना चाहे तो हमसे संपर्क करें, हम ये किताबें आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। As I told you, the country wants development, people's agenda number one, development, 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 and good governance, delivery system. PM has assured the nation his priority will be development, development, and development.